हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल गर्ली गर्ली में। मेरा नाम रश्मि है और आज मैं एक अनादर रक्षाबंधन सीरीज का ही पार्ट लेके आई हुई हूँ। तो इसके पहले मैंने रक्षाबंधन मेकअप से रिलेटेड कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे एंड आज मैं स्किन केयर से रिलेटेड लेके आई हुई हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बायोटिक का बायो पपाया स्क्रब यूज़ करूँगी एंड ये फेस मास्क है भी बायोटिक का है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं एंड बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा कॉपीज वगैरह। ये मेरी भतीजी का स्टडी रूम है, मैं अपने मायके में हूँ। सो कोई जगह नहीं मिल रही थी, सब जगह बच्चे हैं। अब इस टाइम पे यहाँ पे 8-10 बच्चे हो चुके हैं, दो तो मेरे ही हैं, तो बड़ी मुश्किल से जगह ही मिले। इसमें से भी जगह शांति वाली नहीं है ये भी। तो चलिए अपने वीडियो में आते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इन प्रोडक्ट की ये है, मैं बहुत टाइम से बायोटिक के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। तो मुझे इसमें ये चीज़ अच्छी लगती है कि एक तो ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, बहुत ही अंडर 200 आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड ये दोनों प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है, इसका स्क्रब एंड पैक तो बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी स्किन टाइप के हो, किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम हो, आप आराम से यूज कर सकते हैं। एंड और सब जगह ये अवेलेबल हो जाता है, आप ऑनलाइन लेना चाहें, ऑफलाइन लेना चाहें, शॉप से लेना चाहें, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, पर्पल, सब जगह अवेलेबल है। सो ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको बहुत आराम से मिलने वाला है एंड बहुत अच्छा कर देता है। सो चलिए वन बाई वन के बारे में बताती हूँ, यूज़ भी करती हूँ। सो जो मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ ये है बायो स्क्रब, बायो पपाया का है एंड ये टैन रिमूवल है, सो बेस्ट है। और इन्होंने लिखा भी है और स्किन टाइप है, ये आयुर्वेदिक है 100%, 50 ग्राम का है ये ट्यूब है स्क्रब का एंड इसका जो रेट है वो है 75 रुपये। सो मैं बोल रही हूँ ना बहुत, और ये एक अगर आप ये 50 ग्राम का लेते हैं तो आपका बहुत आराम से ये 2-3 महीने चल जाता है, बहुत आराम से चल जाता है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ मैं बता दूँ आपको, बता ही दिया मैंने आपको कि पपाया से ही बेस्ड है एंड यहाँ पर लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, सो दिक्कत है हर चीज़ में। एंड इसकी साइट से भी आप ले सकते हैं, उन्होंने दे रखा है www.biotic.com। सो अगर इनके साइट पर जाकर के आप लेना चाहें तो ले सकते हैं एंड उन्होंने बारकोड दे रखा है, इंग्रेडिएंट दे रखे हैं, यूज़ कैसे करना दे रखा है एंड इन्होंने दे रखा है मसाज ऑन वेट फेस एंड नेक विद फिंगर टिप्स, अवॉइड आईज एरियाज, रिमूव विद वाटर और डैम्प वॉश क्लॉथ, यूज डेली और एज नीडेड। सो बिल्कुल आप डेली यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि स्क्रब डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, कितना भी माइल्ड हो, कुछ भी हो, बट फिर भी कुछ तो पार्टिकल्स उसमें होते हैं जो आपकी स्किन पे जाते हैं एंड आप मसाज करते हैं। सो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, कितना भी माइल्ड हो स्क्रब फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी डेली यूज़ करने के लिए। आप वीक में इसको आराम से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं और बहुत आराम से यूज़ कर सकते और बहुत अच्छा भी है। सो ये तो स्क्रब है एंड इसके बाद ये है इसका पैक। सो ये कितने ग्राम का मैं बता दूँ, ये भी ऑल स्किन टाइप पे लिखा हुआ है एंड ये है 75 ग्राम एंड इसका जो रेट है वो है 199। सो 200 रुपये में ये आपको 75 ग्राम मिल रहा है एंड ये आपका बायोफूट है एंड वाइटनिंग पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक है। सो बेस्ट है और पैक आप बिल्कुल अगर यूज़ करना चाहें तो पर डे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मैं बता दूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट है, मुल्तानी मिर्ची पाउडर है, गेरू पाउडर है और यशद भस्म है, टोमेटो जूस है, पाइनएप्पल जूस है, बबूल गोंद है एंड क्रीम बेस है। सो अच्छा है बिल्कुल से एंड इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी ट्यूब में आता है, अगर आप लेना चाहें तो ट्यूब में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं एंड ये भी आपका बॉक्स टाइप में भी आता है, सो आप बॉक्स में भी ले सकते हैं। सो एंड सेम वही है, इन्होंने यूज़ करने का दे रखा है कि आप क्लीन फेस पे अप्लाई करें 15-20 मिनट एंड इसको साफ पानी से धुल लें एंड इसमें दे रखा है इन्होंने कि आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइटिंग एंड ब्राइटनिंग द कॉम्प्लेक्शन के लिए, और वाकई में बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे, मेरे कहने पे एक बार यूज़ कीजिएगा क्योंकि बहुत ही कम रेट का है। अगर आप इसका
50 ग्राम वाला पैक लेते हैं तो वो 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। सो आप बिल्कुल से यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा मैं बोल रही हूँ। और हो सकता है हल्का सा इरिटेशन हो आपको, हल्की सी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है और अगर मैं यूज़ करती हूँ, अगर मुझे छोटे छोटे से दाने होते हैं गर्मी की वजह से, मोस्टली लोगों को हो जाते हैं, तो हल्का सा मुझे दिक्कत करता है। बट अगर उसको लगा करके आप फैन के नीचे बैठ जाते हैं या कूलर के सामने बैठ रहे हैं या एसी चला के बैठ रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कूलिंग इफेक्ट देता है, तो बहुत 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 अच्छा लगता है। सो ये था, एंड मैं सबसे पहले स्क्रब करूँगी, देन उसके बाद पैक लगाऊंगी। उसके पहले अपने हेयर को टाइट करना बहुत जरूरी है, एंड मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। सो एंड फेस को गीला करने के लिए मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी, कामा का, और ये इनका जो सैम्पल पीस होता है वही होता है। एंड इस टाइप के प्रोडक्ट अगर आप कामा के कोई बड़े प्रोडक्ट लेते हो, उनके साथ ये गुडीज़ के रूप में मिलता है, सो वही है। और मैं मोस्टली, मेरे पास बहुत सारे इस तरह के रखे रहते हैं क्योंकि मैं लेती रहती हूँ प्रोडक्ट। सो मैं जब भी कहीं ट्रेवल करती हूँ तो मैं यही गुडीज़ यूज़ करती हूँ, वो छोटू से होते हैं, ले जाने में लाने में आराम रहता है, एंड यूज़ करो, फेंको तो सारा झंझट भी ज़्यादा नहीं होता है। बड़ी बॉटल लेके चलने में थोड़ा सा झंझट हो जाता है सामान, क्योंकि बहुत हो जाता है, फिर ये सब भी कैरी करो। सो और बेस्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है कामा के प्रोडक्ट। मैं 2-3 प्रोडक्ट के हैं जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, एंड मैंने रिव्यू भी बहुत सारे दे रखे हैं कामा के। सो अगर आप चाहें देखना सो देख कर सकते हैं। और ये देखिए कि सील अभी ओपन नहीं है, तो इसका ये मतलब आप नहीं समझिएगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ करती रहती हूँ। और मेरे पास इसके खाली भी हैं एंड दूसरे बॉक्सेस भी हैं, बट मुझे घर आना था सो मैंने नए पैक ही इसके निकाले, तो ये लेकर के मैं। और बहुत क्रीमी है ये देखिए, बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत स्मूथ भी है। बट फेस पे जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इसके हार्श पार्टिकल लगेंगे, तो बहुत ही लाइट हैंड से आपको यूज़ करना है, बहुत ही लाइट हैंड से, एंड स्लाइटली आपको मसाज करना है पूरे फेस पे। सो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी आपको, किस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए, क्या स्टेप होने चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मैं भी बहुत बेसिक स्टेप यूज़ करती हूँ, तो ये बेसिक स्टेप आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। करीब 2 मिनट हो गया है मुझको स्क्रब यूज़ करते, मसाज करते, एंड ये क्रीम जो थी वो पूरी अब्जॉर्ब हो गई है, अच्छे से मसाज हो गया है। एंड अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरी स्किन पे फिर रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा स्क्रब यूज़ करने से। सो इसको मैं वॉश करके आती हूँ, देन इसके बाद मैं पैक यूज़ करती हूँ। मैंने वॉश कर लिया फेस अपना और बहुत ही क्लीन क्लीन लग रहा है। सो अब इसके बाद मैं पैक यूज़ करूँगी, और ये रहा। सो ये कवरिंग के साथ आता है, एंड इसको ओपन करने के बाद से मैंने लगा लिया, और इसको मैं 15 मिनट रखूँगी अपने फेस पे, देन उसके बाद इसको वॉश करूँगी। एंड आप चाहें तो ये नेक वगैरह में भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगा रही हूँ नेक में क्योंकि फिर
वॉश करने में एंड साफ करने में दिक्कत हो जाती है, बट अगर आप यूज़ करें तो पैक यहाँ तक जरूर ले करके आए। सो ये देखिए, मैंने ना बहुत पतली लेयर लगाई है एंड ना बहुत मोटी लगाई है। सो दैट्स इट, 15 मिनट बाद में मिलती हूँ आपसे। सो गाइस ये देखिए, मैंने पैक उतार लिया एंड बहुत ज़्यादा मेरा फेस बहुत क्लीन क्लीन लग रहा है। काफ़ी टाइम मैंने किया भी नहीं था कोई भी स्किन केयर। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड जब आप यूज़ करो तो आपका चेहरा अपने आप ऑटोमेटिकली काफ़ी फ्रेश एंड अच्छा लगने लगता है। सो ये रहा मेरा स्किन केयर रक्षाबंधन के लिए एंड इसके बाद मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। और आप सभी को रोज़ वाटर यूज़ करना चाहिए, फेस पैक के बाद तो ज़रूरी यूज़ करना चाहिए, बहुत ही रिलैक्स देता है रोज़ वाटर यूज़ करने के बाद फेस पैक एंड स्क्रब के बाद, तो बहुत अच्छा उसमें पूरे फेस पे। एंड इसके बाद आप चाहें तो अपना मॉइस्चराइजर जो भी आप यूज़ करते हो यूज़ कर सकते हैं, बट तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी एंड बस ऐसे ही रोज़ वाटर पहने दूँगी और ड्राई होने दूँगी फेस पे। सो ये देखिए, ये रहा मेरा आज का वीडियो और मुझे पूरी आशा है आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।